अंकल जी आपका हेलमेट कहाँ है? ये देखो आप, टॉम वो रहा हुमायूं टॉम, तो यहीं से चलते हैं अपन। आज पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है। हुमायूं टॉम का जो है एंट्री ये है, मेन ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त आवेश, जो मेन राजा था उनका मकबरा। तो गाइस ये अपने सुंदर नर्सरी, एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, प्यारा गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यारा, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ हुमायूं टॉम फाइनली। अभी वैसे मैं आज तक मैं भी नहीं गया हुमायूं टॉम, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, दिल्ली में होने के बाद भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो आज चलते हैं। पिक मिल गया यहाँ पे, कोई नहीं, अपनी तो अपने पास है धन्नू, और धन्नू तो भाई एकदम से निकल जाती है साइड साइड से। तो गाइस आज जो है ना, आज मैं थोड़ा टाइम पर उठ गया था, और फिर उसके बाद जो है अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहे हैं 10:44। और ये देखो भाई साइकिल वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, जय माता दी जोर से बोलो, सबने झंडे लगा रखे हैं भगवान के। सही है भाई ये भी। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि तो आधा घंटा लगेगा यहाँ से हुमायूं टॉम पहुँचने में, और बाकी आई होप सो आप सभी लोगों को आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। आज भाई धूप आ रखी है बढ़िया वाली, बट भाई चुभने वाली धूप नहीं है, अब धीरे धीरे ना ठंड आ गई है, हल्का हल्का एहसास हो रहा है कि हाँ भाई ठंड आने वाली है। अंकल जी आपका हेलमेट कहाँ है? अगर पुलिस वाला होता ना तुरंत चालान काटता आपका, वो भी हाईवे पे। आप गली वली में हैं कहीं, मार्केट वार्केट जा रखे हो, लोकल तो चलो बनता भी है, आओ हाईवे में बिना हेलमेट के, ये बहुत बेकार बात है। और जब यहाँ पे जब किसान आंदोलन हुआ था ना, तो ये पूरा का पूरा हाईवे जो है ना बंद हो रखा था। फील है भाई साहब, ये देखो आप, और ये देखो भाई हमारा झंडा तिरंगा, एक नंबर लग रहा भाई, एक नंबर। ये देखो भाई हमें ड्यूक वाले भाई जा रहे हैं, ड्यूक भी अच्छी बाइक है यार, बहुत सारे लोग लेते हैं ड्यूक भाई। अभी पीछे छाया थी, जल्दी से एकदम से धूप आ गई, ये क्या खेला खेल रहे हैं सूरज भगवान हमारे साथ। पांच दिन के बाद भाई मैं निकल जाऊंगा ट्रिप में, सो आई एम सो एक्साइटेड। 5 तारीख को मेरा फ्रेंड आ जाएगा जयपुर से यहाँ पे दिल्ली, तो भाई उसके बाद जो 6 तारीख को हम दोनों निकल जाएंगे। मजा आएगा यार, काफी टाइम बाद हम दोनों मिल रहे हैं, एक साथ जॉब करते थे, और वो भी अल्मोड़ा से ही है, उत्तराखंड से ही है, तो अपन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो भाई अब ट्रिप में ना मजा आने वाला है, और बाकी आप लोग गैस करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। जो लोग, मैं ये सोचता हूँ जो लोग मोटो ब्लॉग करते हैं और यहाँ से भाई आसाम आसाम तक राइड करते हैं भाई, वो लोगों को भी दाग देनी पड़ेगी यार भाई। सैल्यूट है उन लोगों को भी भाई, हर चीज़ के पीछे मेहनत तो है यार, ये तो मैंने देखा है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगता तो है भाई यूट्यूब में देखते हैं कि भाई ये तो इतना पैसा कमा रहा है, इतना फेमस है, लेकिन उसके पीछे का उसका हार्डवर्क भाई बहुत हार्ड वर्क, क्योंकि भाई मोटो ब्लॉग करते समय बारिश आती है, हर चीज़ आती है, कितनी दुख कितनी परेशानियाँ भी होती हैं यार, और मोटो ब्लॉग करना इतना ईजी नहीं है भाई, धूल मिट्टी हज़ार चीज़ें होती हैं। तो ये एक बाइक और देखिए भाई, देखो आज तो भाई सारी मस्त मस्त बाइक दिख रही है। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको हुमायूं टॉम, वो रहा हुमायूं टॉम आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं ना बैग में ट्राईपॉड भी ले आया, क्योंकि ट्राईपॉड शूट करूँगा हुमायूं टॉम में। ये देखो आप पुलिस वाले भैया फुल चालान काटते हुए भाई, यहाँ भाई पुलिस वाले बहुत कड़े रहते हैं। और यहाँ पे पहुँच से थोड़ी गर्मी लगने लग गई, क्योंकि ट्रैफिक है ना यहाँ पे, और यहाँ पे बसेस वगैरह भी आ चलती हैं, इस वजह से भाई मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं और अंदर वाले रास्ते से चलते हैं, अंदर से एक रास्ता है, यहाँ से चलते हैं भाई, अनोखे रास्ते से लेके चलते हैं गाइस आपको आज। अब दिखाते हैं आप लोगों को आज मेन गलियाँ सरायखालेगा की, खतरनाक खतरनाक गलियाँ हैं, देखा जाएगा यहीं से होगा, यहीं से जा रहे हैं टेम्पो वगैरह, उस साइड से तो भाई वन वे दिख रहा है, तो यहीं से चलते हैं अपन। आज पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है फुल बढ़िया वाली भाई, बस टायर पंचर ना हो मेरा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उतरी 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 गलियों में घुस गया मैं तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप प्राइवेट गलियों की हालत, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। ये देखो आप छोले कुलचे वाला यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से रिक्शे आ रहे हैं, अम्मा जी यहाँ बैठी हुई हैं, ओ भाई यहाँ तो बुरा हाल है। एक सेकंड बड़े भाई, अब तो तुम्हारे भाई को सारा रास्ता याद है, तुम्हारे भाई ने एक से एक गलियाँ छान रखी है गाइस। ओहो बाय 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 बाय, मेरी स्कूटी मत ठोक देना। इस दिल्ली की गलियाँ, दिल्ली में भाई ऐसी ऐसी जगह है कि लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैं सरायखोले वैसे घूम के आता ना, कम से कम नहीं तो भाई 4-5 किलोमीटर पड़ता है मेरे को, 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ा देखो। अब यहाँ से बाहर निकल के उसके बाद मैं सीधा पहुँच जाऊँगा अपना हुमायूं टॉम की साइड, मतलब मैंने बहुत टाइम भी बचा लिया, हर चीज़ बचा ली। यहाँ तो नाले वाले खुले हुए हैं, कहीं नाले में ना गिर जाऊँ मैं,
हैप्पी बर्थडे बन जाए मेरा। ओ भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, निकल गए अपन। लेफ्ट जंप नहीं कर सकते लेकिन ये शॉर्ट कट मार सकते हैं यहाँ से यूँ, क्योंकि यहाँ से जो है लेफ्ट टर्न तो खुला हुआ है, तो अपन यहाँ से निकल जाएंगे, चकमा दे देंगे पुलिस वालों को। ये रोड में कितना मज़ा आ रहा है ना यार, ट्रैफिक से बाहर निकलते ही जब खाली रोड पर आते हैं ना अलग ही मज़ा आता है चलाने का। तो भाई यहीं पर है, कह रहे हैं अंकल जी हमारे यूटो वहाँ के पार्किंग भी है, पार्किंग पर लगा देंगे। पार्किंग वाला बस पेटीएम लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कैश तो बड़ा नहीं है भाई। तो भाई स्कूटी ना मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो ये बढ़िया जगह है भाई, प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पे। अब चलते हैं सीधा हुमायूं टॉम, और उसके वहीं पर ना सुंदर नर्सरी भी है, आपको सुंदर नर्सरी भी दिखाऊंगा। बढ़िया 7699। तो भाई स्लिप भी ले ली है अपन ने, तो भाई चलते हैं, पार्किंग वार्किंग भी हो गई है, स्लिप रख लेते हैं बैग में। और भाई बैग में अपना ट्राईपॉड भी मैं ले आया था, यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक की वॉक हो जाएगी। सूरज भगवान जो है सर पे तैनात हो रखे हैं, तो सूरज भगवान आपको भी नमन। सूरज भगवान को नमन कहना भी बहुत ज़रूरी है, कृपा तो बरसा नहीं रहे, पूरी पूरी गर्मी कर रखी है सूरज भगवान ने, लेकिन कोई बात नहीं। सो गाइस फाइनली मैंने एंट्री कर ली है हुमायूं टॉम में, मतलब एंट्री क्या करी है, अभी तो बाहर से एंट्री कर रहा हूँ, अब आगे जाके देखते हैं क्या टिकट विकट लगती है, मेरे को भी नहीं पता, मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आपको हुमायूं टॉम आना है ना, तो सबसे बेस्ट है, मतलब अगर कोई स्कूटी कार से नहीं आना चाहता तो वो आ सकता है भाई मेट्रो से, और मेट्रो के लिए आपको आना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम उतर सकते हो आप, वरना आप जंगपुरा मेट्रो स्टेशन उतर सकते हो, वहाँ से बहुत पास पड़ेगा आपको, वहाँ से रिक्शा ऑटो कुछ भी ले लो तो आपको यहीं पे छोड़ देंगे हुमायूं टॉम, वहाँ से 40-50 रुपये लेंगे आपसे, तो हुमायूं टॉम छोड़ देंगे। और यहाँ पर भाई लाइन लग रही है टिकट के लिए, फिर आपका टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने एंट्री कर ली है, और ये इन्होंने दिए मेरे को टिकट और ये टोकन, ये टोकन अगर खो जाएगा तो उसके फाइन है 100 रुपीज़, और वैसे एंट्री चार्जेस हैं आपके 40 रुपीज़, फॉरिनर्स के 600। और मेन चीज़ इशू ये हो गया कि भाई आते ही जो है ना इन्होंने मेरे से मेरा जो ट्राईपॉड था ना वो ले लिया, कह रहा अलाउड ही नहीं है ले आना, तो अब जाते समय जो इन्हीं से वापस ले लूँगा। रात ही भाई एंट्री कुछ इस तरह की है, फॉरिनर्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, लेकिन अपना मूड जो है अपना ऑफ नहीं करेंगे, अपने हाथ से ही शूट करेंगे यार, अपने हाथ काम आएंगे, कब काम आएंगे हाथ ही। और दूसरी चीज़ भाई यहाँ पे जो है ना, आओ तो भाई कैश लेके आओ, क्योंकि मेरे पास कैश भी नहीं था, मैं सोचता था ऑनलाइन चल जाएगा, तो फिर एक भाई थे पीछे, उनसे मैंने फिर पेटीएम किया, उन्होंने करा 100 रुपीज़, देन उसके बाद उन्होंने मेरे को जो है ना कैश दिया, लेकिन जो है अपना काम बन गया। और बाकी एंट्री कुछ इस तरह की है, तो गाइस आती ही ना कुछ इस तरह की एंट्री है हुमायूं टॉम की, खूबसूरत तो है भाई नो डाउट, साफ सफाई जिस तरीके से कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, और जिस तो भाई उस हिसाब से खूबसूरत भी है और बनता भी है यार। अगर आप मतलब ये खूबसूरत इसीलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई आपकी जो है एंट्री फीस वगैरह है, अगर ये एंट्री फीस वगैरह ना हो, फ्री हो ना, तो लोग भाई यहाँ की भी ऐसी तैसी कर देंगे, तो ये चीज़ सही है यार, मेंटेन कर रखा है, अगर ये पैसे ले भी रहे तो मेंटेन कर रखा है, बढ़िया चीज़ है। और बाकी ये देखो अभी भी कुछ लोगों ने देखो क्या गंदगी फैला रखी है, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और खूबसूरती में ध्यान देते हैं। तो गाइस जो मेरे पीछे ये जो है ना, ये मेन हुमायूं टॉम का जो है एंट्री ये है मेन, तो भाई मस्त लग रहा है, एकदम खूबसूरत लग रहा है भाई, ये देखो आप भाई जो ना आर्ट वगैरह बना रखा है ना, मतलब जो पुराने हिसाब से बना रखा है भाई, मस्त बना रखा है एकदम। और बाकी भाई आपको यहाँ पे जो है ना कुछ भी आपको नॉलेज वगैरह चाहिए, कब बना था, क्या बना था, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हर चीज़। और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कब हुआ था, बिटवीन 2000 से लेकर 2003 के बीच में एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हुआ था, ये सब हुआ है, तो ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो गाइस एंट्री करते हैं ना, आपको एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, कि हुमायूं टॉम का पूरा म्यूज़ियम मिलेगा, कि मतलब कि पूरा हुमायूं टॉम कहाँ पर बना हुआ है, तो ये देखो आप पूरा का पूरा भाई उन्होंने मैप में बना रखा है बढ़िया तरीके से, मस्त लग रहा है यार, इधर से दिखाऊँ आपको, ये देखो। और गाइस इस साइड भी है कुछ ना कुछ, इस साइड देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा हुआ है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष। ओके, तो ये चीज़ें जब ईसा खान के मकबरे की खुदाई हुई थी उस समय जो है ये चीज़ें मिली थी उसके अंदर, तो वो चीज़ें रख रखी इन्होंने यहाँ पे। फाइनली मैंने एंट्री कर ली है अंदर, एंट्री तो मैंने काफ़ी देर से कर ली थी, लेकिन भाई जो है ना स्पेस जो है ना खाली नहीं हो रहा था पीछे का, तो भाई वो जो है ना व्यू ना बढ़िया नहीं आ रहा था, ये लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे इसलिए वेट करना पड़ा। और बैटरी जो है ना बची है जो ना आईफोन की, वो भी बची 30%, तो भाई अब जो भी है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। और एंट्री करते ही आपको देखो कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा भाई, एक नंबर लग रहा है भाई,
तो गाइस ये रहा मेरे पीछे हुमायूं टॉम्ब सामने। अब चलते हैं फिर वहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे आपको लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो गाइस हुमायूं टॉम्ब का ना हिस्ट्री ये है कि हुमायूं टॉम्ब इसलिए बनाया गया था, जब हुमायूं था ना वो एक्चुअली क्या है सीढ़ियों से गिर के मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी याद में जो है ना जो उसकी रानी थी उसने जो है ना ये बनवाया था हुमायूं टॉम्ब। मतलब ये इसकी हिस्ट्री है। अब तो और जो जितने भी जो मतलब इसके परिवार के जो है ना हुमायूं के टॉम्ब के जो मर गए चुके हैं उसके जो पूरे का पूरा जो परिवार का जो है ना कबर वो सबके सब इस हुमायूं टॉम्ब के अंदर ही हैं। तो भाई फोटोज़ वगैरह के लिए तो भाई बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये, यहाँ पर कोई भी आए तो फोटोज़ वगैरह बढ़िया तरीके से लगता है, रील्स वगैरह बहुत लेते हैं लोग। और बाकी जो है ना यहाँ पे देखो कितना पुराना पुराना दरवाजा है, ये कितना पुराना दरवाजा होगा, और यहाँ का जो आर्ट कल्चर है ना भाई वो देखो आप, कितना मस्त लग रहा है एकदम। गाइस ये है वो हुमायूं टॉम्ब मेरे पीछे जिसकी मैं बात कर रहा था, इतनी खूबसूरत लग रहा है भाई मस्त। और शाम को अगर बादल वादल लगे होते ना भाई ओहो क्या ही नज़ारे होते भाई यहाँ पे। जिस कवर ओवर की मैं बात कर रहा था ना वो कवर देखो यहाँ पर है सामने, तो ये सारी की सारी कवर है भाई, इसी में जो है ना इन्हीं कवरों में दफनाया गया होगा राजा रानी वगैरह जो भी होंगे। और मेरे को लग रहा राजा ये होगा भाई क्योंकि सबसे बड़ा कवर है और रानी ये होगी। तो भाई ये तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कवर है यहाँ पे। लेकिन कैसे ये है कि भाई ऊपर आते ना भाई हवा इतनी जहर चल रही है ना, मस्त मस्त हवा चल रही है, और इस साइड तो पूरा छाया छाया है। सो गाइस यहाँ से ना ये है मेन एंट्री यहाँ से हुमायूं टॉम्ब के अंदर जाने की, तो अब अंदर चलते हैं। और एक इशू ये आ रहा है कि भाई मेरा जो है आईफोन का स्टोरेज जो है फुल हो रहा है, और दूसरी चीज़ धूप में धीरे धीरे से घूमा था, धूप की वजह से ना ये पूरा पूरा गर्म हो गया था, तो ये इशू आ रहा है अभी फ़ोन में। बाकी भाई अंदर से यहाँ पे जो है ना मकबरे वगैरह रख रखे हैं, तो मे बी मैं पहले रॉन्ग था, शायद से मैं आपको गलत बता दी कि बाहर जो मकबरे होंगे वो किसी और के होंगे, ये जो होंगे ये जो है मेन मकबरे। अब यहाँ से एंट्री करोगे ना तो आपको मेन एरिया में ले जाएगा आपको, जिसका मेन एरिया ये देखो तेरी, और यहाँ पे है राजा का, भाई राजा का जो मकबरा है ना वो यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह का हॉर्टिकल्चर है, देखो कबूतर वगैरह भी उठ रहे हैं भाई यहाँ। तो अंदर आती है ना भाई तो ठंडा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो गाइज़ ये है यहाँ के हुमायूं टॉम्ब का जो मेन राजा था उनका मकबरा, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से ना भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है और रोशनी भी आ रही है, यहाँ का तापमान है ना भाई बिल्कुल का बिल्कुल बहुत, मतलब भाई लगा लो कि 20 डिग्री का फर्क आ गया होगा, इतना ठंडा है यहाँ पे, बढ़िया है मस्त है। तो भाई कुछ दो भाई लोग आए हैं मेरे से मिलने के लिए, भाई ने देखा ब्लॉगिंग करते हुए, भाई ने बोला कि भाई आपका यूट्यूब चैनल है दीपक मेहता ब्लॉग 7.0 से भाई सब्सक्राइब कर देना यार ब्रो, आप लोग भी आ जाओगे। तो गाइस बंदे ना कैमरा देख के मैं बोल रहा हूँ ना तो बंदे अपने आप आगे पूछ ले रहे हैं मेरे से ना, गेट पर भी तीन चार लोगों ने पूछा था आपका यूट्यूब चैनल है, एक लड़की आई कहती है आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ उसी टाइम देखा लड़की ने, पता नहीं सब्सक्राइब करा नहीं करा, मैं तो बोलता नहीं हूँ, इन लोगों को बोल दिया बोल लौंडे बोल पूछ रहे हैं खुद से, तो बोल भी तो भाई बोलने में का जा रहा है, सही है मैं तो भाई शर्माता रमाता नहीं हूँ। अब भाई जब जब भीड़ हो कुछ हो चाहे हज़ार लोग हो भाई मैं तो अपना कैमरा निकालता बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूब जो है ना एक तरह का प्रोफेशन है भाई, अगर आप शर्माने लग गए फिर तो आपने कर लिया यूट्यूब, कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में। तो गाइस अब ना अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सुंदर नर्सरी, आपको सीधा मिलता है सुंदर नर्सरी में। सो गाइस ट्राइपॉड मैंने ले लिया है फाइनली, वहीं पर उन्होंने गार्ड ने रख लिया था। सो गाइस ये है अपनी सुंदर नर्सरी, अब चलते हैं आपको सुंदर नर्सरी घुमाते हैं, मैं ही फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी का टाइमिंग है 7 AM to 10 PM, तो जो है टिकट सिस्टम है भैया एक टिकट। फाइनली मैंने एंट्री कर लिया, 50 रुपये की टिकट लगी है सुंदर नर्सरी की, और यहाँ पर उन्होंने बैग वैग कुछ चेक नहीं करा मेरा इतनी, और सुंदर नर्सरी कुछ इस तरह की है ये देखो आप। अब अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर नर्सरी में क्या है, पेड़ पौधे हैं भी कि नहीं है, और ये देखो यहाँ पे फुवारे फुवारे टाइप के तो यहाँ पे ना ये बनाए रखे हैं, हर जगह बना रखे हैं। सो गाइस ये अपनी सुंदर नर्सरी एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर आप लोग देख ही सकते हो। तो सुंदर नर्सरी में ना ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, जो कि आप ना फैमिली वगैरह के साथ ना पिकनिक विकनिक बनाने आ सकते हो, अपना आराम से बैठ सकते हो सिट कर सकते हो, या पूरा का पूरा देखो ग्रास एरिया वगैरह है, तो यहाँ पे आप ना रिलैक्स वगैरह कर सकते हो। तो सुंदर नर्सरी में ऐसा और कुछ नहीं है, मैं सुना है सुंदर नर्सरी के बारे में बहुत कुछ, फैमिली वगैरह ना सनसेट संडेज में ना शाम के समय जो है अपने बच्चों के साथ वगैरह आते हैं यहाँ पर, अपना खाना वाना लेके चटाई वटाई लेके आराम से बैठते हैं मैट वगैरह लेके, तो इसलिए चिल प्लेस है मतलब सुंदर नर्सरी बेसिकली ये है। और ग्रीनरी वगैरह बहुत बहुत है यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो इस वजह से इसका नाम सुंदर नर्सरी रख रखा है। थोड़े बहुत जो म्यूज़िक कंसर्ट या कुछ एक्ट वगैरह जो कंसर्ट होते हैं ना वो होते होंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ बना रखा है बढ़िया। और लोग भाई अपना चिल विल कर रहे हैं वहाँ पर, देखो कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो अपना चिल कर रहे हैं आराम से खाना वाना खा रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़िया है। यहाँ पे मेरा बैग वैग भी चेक नहीं करा कुछ भी चेक नहीं करा, तो ये चीज़ बस सही लगा मेरे को बढ़िया लगा, और ऐसा सस्ता यहाँ पे कुछ है नहीं। और मेरे फ़ोन की बैटरी अब हो रही है सिर्फ 10% बची है, अब मैं सीधे चलता हूँ घर। तो गाइस आई होप सो आप सभी लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं हम लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टेक केयर।